हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को टेकी केयर में। एंड आज हम सीखेंगे कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो को एडिट किया जाता है काइन मास्टर एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हम सीख नहीं पाते अच्छे से कभी कभी, तो ये पूरा ट्यूटोरियल उसी के ऊपर जाएगा और इसमें आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगा। सो वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक के बने रहे। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड इसमें हम आपको हर एक टूल्स के बारे में बताएंगे कि कैसे एडिट किया जाता है। ओके, और जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग वीडियो। अब हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन यहाँ से कर चुके हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है स्टोर का। तो यहाँ से आप जैसे ही स्टोर पे क्लिक करेंगे, आपको टेक्स्ट एनिमेशंस बहुत सी सारी चीज़ आपको मिल जाएगी जो कि आप वीडियो में आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल जो कि आप काइन मास्टर का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी आप ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद हम सीधा सीधा सब चीज़ को इग्नोर करके सीधा सीधा आएंगे प्रोजेक्ट पे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब हमें रेडियो सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे 16.9 जो कि YouTube वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, 9.16 स्टेटस वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है, और 1.1 फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो डालने के लिए ये रेडियो सबसे बेस्ट है। तो हम यहाँ पे 16.9 अभी फ़िलहाल यूट्यूब वीडियोज़ के लिए वही सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे गाइज आपको अभी कुछ ही ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे कि एक सेटिंग हो गया मीडिया ब्राउजर। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे मीडिया ब्राउजर पे। एंड जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से आपको बैकग्राउंड, फेवरेट, क्लाउड स्टोरेज एंड स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली हम चलेंगे बैकग्राउंड में। तो ये बैकग्राउंड आपको काइन मास्टर के साथ आता है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप फेवरेट में रख सकते हैं अपने कोई भी इमेजेस, तो हम फिलहाल नहीं रखेंगे। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज है, तो इसमें आप जो भी ड्राइव में रखेंगे वो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं ऐड करके। उसके बाद स्टोरेज में आके हम कोई भी एक वीडियो या फिर इमेज सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक वीडियो नॉन कॉपीराइट रखे हुए हैं, उसे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज आपको अभी ब्लूअर शो हो रहा है, तो ये प्राइवेसी रीजन है जिसके कारण हम वीडियोस इमेजेस नहीं दिखाना चाहते हैं। अब गाइज यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको मिलता है वो है अंडो और रीडो का ऑप्शन। तो यहाँ पे जस्ट हम अंडो पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं वीडियो आपका गायब हो गया। जस्ट हम फिर से रीडो पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो आपका आ चुका है। तो यहाँ से अगर आप गलती से भी कोई चीज़ ऐड हो जाता है तो उसे आप हटा ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है गाइज, हो सकता है आपको थंबनेल बनाने के लिए कोई इसी में से, इस वीडियो में से एक इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पे आप कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करके वो इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो रोक के रखे थे वहाँ पे कैप्चर हो चुका है। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट ऑप्शन जिस पे क्लिक करते हैं, कैप्चर एंड ऐड एज ए लेयर पे, तो यहाँ से वीडियो में से कट के हमारा एक इमेज लेयर में तैयार हो जाता है। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं रैंडमली, कहीं से भी एक इमेजेस कट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें कैप्चर एंड ऐड एज ए क्लिप का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मीडिया फाइल में ही एक हमारा इमेज लग जाता है, तो इसे हम अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से, इसी प्रकार से आप इमेजेस का पूरा काम इसी में होता है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलता है शेयर का ऑप्शन। तो यहाँ से डायरेक्टली हम अपने वीडियो को एक्सपोर्ट एंड शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है सेटिंग का ऑप्शन, उसे इग्नोर करेंगे। जस्ट हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा बहुत सारा लेयर रहता है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका बहुत ज़्यादा लेयर हो जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जितना भी लेयर है सब शो कर देगा। ये थोड़ा सा मतलब लेयर को लेके इसमें आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आप जिस पे वर्क कर रहे हैं वो वीडियो भी आपको शो होता रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे गाइज ये जो बटन है इसका उपयोग स्टार्टिंग और एंडिंग, जैसे आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब हमें सीखना है कि वीडियो को पार्ट बाय पार्ट कैसे कट किया जाता है, तो सिंपली हम वीडियो पे टैप करेंगे और यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन आ जाएगा जो कैंची का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इसमें ट्रिम, लेफ्ट राइट, उसके बाद स्प्लिट एट, प्ले हेड, ये सारी ऑप्शन मिल जाती है। तो हमें अगर बीच बीच से काटना है तो स्प्लिट एट प्ले हेड का यूज़ करेंगे एंड ऐसे ही आपका बीच बीच से कट जाएगा। गाइज यहाँ पे सबसे नीचे में आपको मिलता है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज ए फ्रेम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बीच में आपका जो वीडियो है उसका एक इमेज कट के आ जाएगा एंड साइड से आपका जो है लेफ्ट और राइट में जो वीडियो था वो रह जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबको फिर से अंडो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अंडो हो चुका है, फिर से ये एक नॉर्मल वीडियो हो चुका है। अब हम फिर से आपको राइट और लेफ्ट का जो ट्रिम होता है वो कट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो राइट का अगर इतना पर से पार्ट जितना पर से आप काटना चाहते हैं वहाँ तक आपको स्क्रॉल करके कट कर देना है, ठीक है। अगर लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट। अब जो हमें ऑप्शन मिलता है उसका नाम है पेन एंड जूम। यहाँ पे हम अपने वीडियो का जो पोजीशन होता है उसे हम सेट कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन। तो हम थोड़ा सा अगर जूम करते हैं वीडियो को तो यहाँ पे जूम करने के बाद एक साथ दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा सा जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली इसका यही काम है। और अगर आप इससे बी रोल इमेजेस को बी रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कोई वीडियो को बी रोल यहाँ से बना सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे। सो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है, तो डुप्लीकेट करेंगे। तो जैसे ही हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और जो हमारा वीडियो का जो एक और पार्ट बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलता है डुप्लीकेट एज लेयर, तो यहाँ पे एक लेयर बन के तैयार हो जाएगा आपके वीडियो का जो भी था मीडिया में। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा दूर तक खींचना रहता है तो डुप्लीकेट एंड एज ए लेयर का यूज़ तब करते हैं बिफोर आफ्टर करने के लिए। उसके बाद हमें जो ऑप्शन मिलता है वो ऑडियो का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल है ऑडियो, तो यहाँ पे आप जो आपका वीडियो का ऑडियो है जो आपने शूट करा है अगर आप चाहते हैं उसको हटा देना कि नहीं ये सही नहीं है हमें वॉइस ओवर करना है, तो उसको डाउन कर सकते हैं। सो सिंपली इसे जीरो कर देना है। अगर आपको रखना है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पिच का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिलता है। तो लेफ्ट राइट यानी एयरफोन में जब भी कोई सुन रहा होगा तो उसमें आपको लेफ्ट एंड राइट में जो साउंड होगी वो सुनाई पड़ेगी। अब हमें क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने जो वीडियो का जो अभी क्लिप है उसमें हम कोई भी एक ग्राफिक टाइप से लगा सकते हैं, जैसे कि मोड टाइटल इफेक्ट, बेसिक टाइटल इफेक्ट, बहुत सारा इफेक्ट होता है। यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करके और भी आप इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ कर रहे हैं ट्रेवल एंड एक्टिविटी, तो इसमें आपको एरोप्लेन चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, स्पीड कंट्रोलिंग, जो आपका वीडियो का क्लिप है उसे स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे स्पीड कंट्रोल है, तो यहाँ पे माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो आप स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट की ओर माइनस होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, अब घट चुका है। तो आगे करेंगे राइट साइड की ओर, तो यहाँ पे 11x तक वीडियो फास्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इजीली फास्ट कर सकते हैं एंड स्लो कर सकते हैं। उसके बाद म्यूट का ऑप्शन मिलता है, म्यूट ऑडियो, तो आप वीडियो जो आपने शूट करा है उसको आप उसका जो ऑडियो है उसे डायरेक्टली यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वॉइस को पिच भी कर सकते हैं, यहाँ पे कीप पिच का ऑप्शन मिला हुआ है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली पिच कर सकते हैं। पहले क्या था कि काइनमास्टर का जो वर्जन था उसमें नहीं था, अभी का जो वर्जन है इसमें ये मिल चुका है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आप अपने वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। फिलहाल मेरा स्टोरेज फुल है तो ये वर्क नहीं कर रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, तो यहाँ पे देख सकते हैं रोटेड एंड मिररिंग,
सो यहाँ पे हम अपने वीडियो को राइट एंड लेफ्ट में मिरर कर सकते हैं एंड यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से हम अपने आधे टेढ़े जैसे भी वीडियो है उसको हम रोटेट के माध्यम से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है वो आती है फिल्टर का। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ फिल्टर जो अपने वीडियो क्लिप में डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फिल्टर देखने को मिल जाती है, तो चलिए मैं आपको कुछ फिल्टर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अभी ओपन कर रखा है बेसिक से फिल्टर, इसमें बहुत से सारी फिल्टर मिल जाती है। तो यहाँ पे वार्म है, कोल्ड है, तो वार्म में देखते हैं कि कौन सा फिल्टर हमारे वीडियो के लिए सही रहेगा। तो ये WO2 फिल्टर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, सो हम इसे रख देंगे। जस्ट और भी चेक कर लेता हूँ मैं, तो जो वीडियो के लिए परफेक्ट रहेगा उसे हम डन कर देंगे। सो गाइज इस तरह से आप अपने वीडियो में फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत सी सारी फिल्टर यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ आप वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं, उसके बाद सर्चुलेशन, ये तीन ऑप्शन मिलती है आपको। तो जस्ट हम इधर उधर करके देखते हैं इसका सर्चुलेशन वगैरह, तो ये देख सकते हैं वीडियो में क्लिप में चेंजेस हो रहे हैं। सो ये हो चुका है डन। नेक्स्ट जो टूल है EQ यानी इक्वलाइजर, इसमें आप सेट कर सकते हैं अपने ऑडियो में। गाइज अब हमें मिलता है वैल्यू इन वॉल्यूम का ऑप्शन, तो इसको हम आगे चल के समझेंगे कैसे इसका क्या यूज है, ठीक है। तो जो भी ऑडियो से रिलेटेड है या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें हम एडिटिंग करते हैं वो रिलेटेड है, उस सभी टूल्स के बारे में हम बाद में समझेंगे, जैसे रिवर्ब हो गया, उसके बाद वॉइस चेंजर हो गया, तो ये सब हम बाद में समझेंगे। अभी आपको लेके चलते हैं सिर्फ वीडियो को एडिटिंग के लेके ये फोकस है। तो ये विग्नेट का ऑप्शन मिलता है, आप अपने वीडियो में साइड साइड से ये देख रहे हैं विग्नेट का ऑप्शन ब्लैक ब्लैक, वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको मिल जाता है जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो आपका वीडियो था उसमें से कट के निकल जाएगा, ठीक है। सो आपका जो भी शूट हुआ रहेगा वीडियो उसका ऑडियो नीचे में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको हॉरिजेंटल मोड में देख सकते हैं या फिर वर्टिकल मोड में देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी टूल्स कंप्लीट हो चुकी है गाइज, अब हम चलेंगे लेयर्स के बारे में जानेंगे। सो अगर कुछ छोटा फूटा रह गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। सो चलिए लेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन मिलता है आपको। तो इसमें मीडिया इफेक्ट, वर्ल्डली टेक्स्ट, हार्डवेयरिंग, तो सबसे पहले हमें जो बात करना है वो है मीडिया पे। तो चलिए हम मीडिया को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे मीडिया ब्राउजर ओपन हो चुका है। उसी तरह से हमें करना क्या है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसमें से कोई एक बैकग्राउंड हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम बैकग्राउंड एक सिलेक्शन कर चुके हैं, इसको ड्रैग करके आगे तक ले लेंगे। इस तरह से आप कोई भी एक लेयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई इफेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, इमेजेस वगैरह हो सकती है। तो इस तरह से हम लेयर्स को ऐड करते हैं। उसके बाद आती है इफेक्ट का ऑप्शन। सो इफेक्ट में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेसिक से इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हम अपने वीडियो में कहीं भी चाहेंगे तो ब्लूर कर सकते हैं वीडियो को, कहीं भी किसी पार्ट को ब्लूअर कर सकते हैं। इस यहाँ से आप ब्लूअर ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूअर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लूअर भी कहीं कहीं कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि बेसिकली कोई एक पार्ट, रैंडम पार्ट जहाँ पे हम ब्लूअर करना चाहें, तो यहाँ पे आपको सर्किल, कर्व, बहुत सी सारी ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना दिया है और उसे ब्लूअर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम फोन को हम चाहते हैं कि हिडन करना, ब्लूअर करना ना दिखे, सो इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे हम ड्रैग करके रख दिए। बट गाइज यहाँ से एक प्रॉब्लम है, अगर फ़ोन इधर उधर होगा तो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चाबी का निशान है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे जो एक प्लस सर्किल में प्लस लगा हुआ है उस पर क्लिक करते जाएंगे, एंड दो तीन क्लिक करेंगे, दो तीन बार इस तरह से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे ड्रैग कर करके हम कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ से खींच के ले आएंगे फ़ोन, जैसे जैसे जहाँ जहाँ रोटेट हुआ है उस तरह से हमें उसको भी रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो फिर एक क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर एक पार्ट यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो इस तरह से अब जो हमारा ये ब्लूअर इफेक्ट है ये भी
फोन के साथ साथ ये भी इधर उधर होगा। बेसिकली ये चाबी वाले जो ऑप्शन है, इससे हम किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं, यानी किसी फोटो को, वीडियोस को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में एनिमेट हो रहा है टेकी कर, उसी तरह से वो एनिमेशन डालने के लिए उसका यूज़ होता है। ठीक है, सो अब चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है ओवरले का ऑप्शन। तो यहाँ से ओवरले डाल सकते हैं अपने वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से कुछ ओवरले आपको मिल जाता है काइन मास्टर के तरफ से, कुछ ओवरले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नीचे में गेट मोड पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सी सारी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यूज़ भी बना सकते हैं, लाइव न्यूज़। सो कोई भी चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं उसमें कुछ इफेक्ट, एक्स्ट्रा ओवरली इफेक्ट, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम भी आपको मिलता है, तो आप अपने वीडियो में जैसे फ्रेम हम ऐड करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हमने फ्रेम ऐड कर दिया ओवरली। सो ये ऐड हो चुका है, तो देख सकते हैं जो फ्रेम है ब्लैक वाला वो ऐड हो चुका है। इस तरह से आप भी अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड हो चुका है। कुछ इफेक्ट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जैसे स्टार्टिंग में एनिमेट होता रहता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट की, तो चलिए हम टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख के डाल सकते हैं, हो सकता है वो आपका वाटर मार्क हो, या फिर कुछ आप लिख के मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकी के आर एंड ओके, और यहाँ से नीचे में हमें लगाना है, तो चलिए हम नीचे लेके आते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी मिल जाता है, जैसे आउटलाइन हो गया, ये सब आपको सिंपल है, ये सब चीज़ आप खुद से भी समझ सकते हैं, तो इतना हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड जो हार्ड आपको समझ से बाहर है उस सभी चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पे आपको फॉन्ट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो फॉन्ट भी आप एक्स्ट्रा फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि स्टोर में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। जस्ट हम इसे थोड़ा सा छोटा कर दिए एंड नीचे में ला कर रख दिए। अब जो यहाँ पे सिनेमैटिक जो मैंने ओवरली डाला था उसको, मतलब कहाँ से वो स्टार्टिंग हो रहा है वहाँ तक हम इसे कट कर देंगे, तो डायरेक्टली आप ड्रैग करके थोड़ा सा क्लिक करके रखेंगे तो ये आगे हो जाएगा, और ये हो चुका है। अब यहाँ से हम इन एनिमेशन पे क्लिक करके कोई भी एक एनिमेशन दे देंगे, इसका आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर बढ़ाइएगा तो ये थोड़ा सा स्लोली एनिमेशन काम करेगा, ठीक है, और अगर फटाक से करना चाहते हैं तो 0.5, उससे भी डाउन है, बहुत सी सारी है। तो ये देख सकते हैं बहुत सी सारी है ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे इफेक्ट इन एनिमेशन में, तो आप कोई भी एक एनिमेशन डाल दीजिए, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है डन। सो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे, जो जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है सिनेमैटिक एनिमेशन, वहाँ से ही आपका जो मेरा टेक्स्ट है वो एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रैग कर लिए पूरा इसको भी लास्ट तक, जहाँ तक वीडियो का ड्यूरेशन है। सो अभी फिर से हम आ चुके हैं ओवरले में, एंड देखते हैं कुछ और ओवरले इसमें डालते हैं। अब गाइज मैं बता दूँ, एनिमेशन आउट भी होता है, जो कि आपके जो लेयर है आपका वीडियो का, वो किसी भी एक लेयर को लास्ट में आप एनिमेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एनिमेशन आउट का यूज कर सकते हैं। जैसे इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन दोनों ही होता है। यहाँ पे हमने एक न्यूज़ वाला ओवरले को लगाया है, ठीक है। अब इसे हम एक बार बैकवर्ड करेंगे, एंड यहाँ से देख सकते हैं बैकवर्ड हो चुका है। उसके बाद सेंड टू बैक करेंगे तो डायरेक्टली ये बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको जस्ट समझाने के लिए बहुत से सारे लेयर यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, जैसे एक ग्रीन कलर में एक ऐड कर दिया, उसके बाद एक ब्लैक कलर में ऐड कर दिया, फिर उसके बाद एक रेड कलर में ऐड कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने बहुत से सारे इसमें लेयर्स को ऐड कर दिया एक साथ, ठीक है। ऐसे में अब हमारे पास बहुत से सारे लेयर हो गए हैं। अब मुझे किसी को आगे लाना है, किसी को पीछे लाना है, तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है,
तो ये रेड कलर पे मैंने टैप करके ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, अब किसी एक को, अब इसको थोड़ा सा साइज जो है इसका कम करेंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब इसको आगे जिस भी लेयर को चाहते हैं आप उसको फॉरग्राउंड फॉन्ट पे रखना, सो आप रख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली जैसे ही आप फॉन्ट पे डालते हैं ब्रिंग ए फॉन्ट, तो ये आपको सबसे पहले जो ये लेयर है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला दूसरा मतलब कौन से पार्ट में आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ तब होता है जब हम एक वीडियो को एडिट करते हैं और बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती है, तब हम इस थ्री डॉट पे जाके सेंड टू बैक और फॉन्ट करते रहते हैं। गाइस, जब हम पीसी में एडिटिंग करते हैं आफ्टर इफेक्ट से, तो वहाँ पे क्या होता है, टैप टू होल्ड जैसे ही हम करते हैं वहाँ पे कर्सर ले जाके किसी भी एक लेयर पे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको थ्री डॉट जो बटन है उसका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करना है तो डायरेक्टली टैप करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये थ्री डॉट पे आके बैक और फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कोई कोई चीज़ आपको इजी भी रहता है, कोई कोई चीज़ मतलब थोड़ा सा हार्ड भी रहता है। अगर हम फ़ोन से एडिटिंग की बात करें तो काइन मास्टर बहुत ही बेस्ट है इस मामले में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गाइज, हम वीडियो में वाटर मार्क डालना सीखेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आके फिर से हम एक बार और टेकी के आर लिखते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि एक चीज़ छूट गया था उसे हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन था जिसका नाम है ओपेसिटी, अल्फा ओपेसिटी। तो इसमें आप कम ज़्यादा कीजिएगा, तो इस तरह से आप अपने वीडियो में वाटर मार्क दे सकते हैं। आप अगर कोई भी एक वीडियो में मेहनत करते हैं तो उसमें वाटर मार्क देना ज़रूरी रहता है कि आपकी कोई भी वीडियो चोरी ना हो, कोई गलत यूज ना हो। इसमें आपको ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसमें ओवरली मल्टीपली, तो यहाँ पे बहुत से सारे ऑप्शन मिल जाता है। ओपेसिटी भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक आपके हिसाब से जो सूटेबल है उसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब गाइज, नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है हार्ड वेयरिंग। तो उसमें चलेंगे और देखते हैं इसमें क्या है, नहीं है, इसका क्या यूज़ है। तो हार्ड वेयरिंग में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो टैब, अब जैसे कि सर्किल मिलेगा आपको, तीर का निशान, तो ये सब क्या है। तो ये सब अगर आप किसी वीडियो में अगर कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो उस पे पार्टिकुलर किसी एक चीज़ पे आप जाके फोकस करने के लिए इस सभी चीज़ का यूज़ होता है। इसका आप साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से ये सिंपल सा फंडा है, आपको कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो येलो कलर, रेड कलर मैंने लगाया हुआ दिया। मैंने इसी वीडियो में बहुत से सारे जगह पे इसका यूज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है। ओके, बीच में आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन का कैमरा का ऑप्शन मिलता है। कैमरा एक से वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इसका कोई यूज़ नहीं करता है, सो ये डैम है। उसके बाद हमें मिलता है ऑडियो का ऑप्शन, तो उसमें चलेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से ऑडियो पे मैंने क्लिक करा और कोई भी एक ऑडियो हम अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, वीडियो में लगा सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे आपको फाइल शो होता है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो ये मैंने ऐड कर दिया। नीचे में वॉइस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से यहाँ पे रेडी टू रिकॉर्ड अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है तो यहीं से वॉइस ओवर किया जाता है, तो यहाँ से आप वॉइस ओवर कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो स्टार्ट पे क्लिक करना है, जस्ट आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये लास्ट तक हो जाएगा और ये डन। बहुत मेहनत लगती है भाई। काइन मास्टर के साथ जो ऑडियो एडिटिंग का टूल आता है वो सब बाकी रह गया था, तो मैंने जैसे कि बताया था कि रिवर्ब वगैरह ये सब बाकी छोड़ दिया था, तो वो सब आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको कट का ये मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं, जहाँ से चाहते हैं अपने साउंड को कट कर सकते हैं या फिर अपने वॉइस को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से यूक्यू में आपको ट्रेबल, वॉइस ट्रेबल, बहुत सी सारी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। बास बूस्टर, तो इसमें आपका बेस जो है, सॉरी बेस बूस्टर, तो यहाँ पे बेस को बूस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से बैलून इनवॉल्व का ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ से हम चार बार टैप करेंगे, वो जो सर्किल प्लस पे चारों पे टैप कर देंगे। ठीक है, सो ये टैप हो गया। और यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इसका साउंड है वो कम रहना चाहिए, यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि कम रहना चाहिए, बीच वाला को हम चाहते हैं कि बढ़ा देना थोड़ा
थोड़ा। तो इस तरह से ये आपका साउंड है, जब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा उसी तरह से आपका जो फर्स्ट में है वो थोड़ा सा आवाज़ रहेगा, फिर गायब होगा, फिर रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। अब चाहते हैं कि नहीं इसको यहाँ पे मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, तो इस तरह से आपसे एडिट कर सकते हैं। अब गाइज हम सीखेंगे कि कैसे अपने वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको कट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ से कहीं कहीं से, आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से आपको कट करना है। उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट आ चुका है, तो इसमें बहुत से सारे ट्रांजिशन इफेक्ट जैसा कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। आपको नीचे में गेट मोर जैसे ही जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद गेट मोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आप बहुत से सारी ट्रांजिशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चारों पे ट्रांजिशन लगा दिया है, तो देख सकते हैं ये ट्रांजिशन आपके वीडियो को और ज़्यादा कूल बना देता है। अब यहाँ पर हम अगर चाहें तो एक ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी एक ऑडियो से ले आके कोई साउंड इफेक्ट इसमें हम डाल सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसलिए कि जो जहाँ पे भी हम इफेक्ट डालते हैं तो उसका जो टाइमिंग रहता है ना, ये जल्दी से हो जाता है फास्टली, ये मैंने पहले ही बताया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्लोली होगा, ठीक है। तो 1.5 पे स्लोली, 0.5 पे फास्ट, ओके। सो आगे चलेंगे, इसमें कोई एक साउंड इफेक्ट डाल देते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको फ्री नहीं रहता है गेट साउंड इफेक्ट, जो कि काइनमास्टर की तरफ से आता है वो फ्री नहीं रहता है। तो ध्यान रहे कि आप नॉन कॉपीराइट कहीं से भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके इसमें यूज करें, अदरवाइज कहीं और से मत डाउनलोड करके यूज करें। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो, ऐसे नॉन यूट्यूबर है तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साउंड का सबका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, और जहाँ जहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट वहाँ पर हम इस साउंड इफेक्ट को डाल देते हैं। तो देख सकते हैं ये डुप्लीकेट जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, ये हो चुका है डन। इसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, अगर आपको एडिटिंग में ज़्यादा दूरी दूरी तक हो जा रही है तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों फिंगर को राइट और लेफ्ट में रखना है, ठीक है, और होल्ड करके उसको मतलब दोनों को एक साथ मर्ज करना है दोनों फिंगर को। तो जैसे ही आप ये कीजिएगा तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, और लॉन्ग करना है तो बस वैसे ही आपको होल्ड करके फैलाना है उंगली को, और जैसे ही उंगली हटाइएगा वहाँ से टैप करने के बाद तो वो आपको दूरी भी। तो इसमें बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आती है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया ख़त्म। अब चलते हैं स्टोर, यहाँ पे काइनमास्टर एसेट स्टोर मिलता है, जहाँ से कि आपको टेक्स्ट बहुत सी सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट इफेक्ट ओवरले बहुत सी सारी चीज़ आपको यहाँ से गेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से आके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप चलते हैं काइनमास्टर की सेटिंग जो होती है उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो का सेटिंग है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी आता है उसे सिंपली जैसा है वैसा ही रहने दें, अगर गड़बड़ है तो इसमें मैच करके सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक यूट्यूबर हैं या फिर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालना चाहता है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक बैकग्राउंड ले उसको ड्रैग किए, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हमें एक मोबाइल फ्रेम ऐड करना है। सो गाइस यहाँ से ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड होने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो हम चाहते हैं कि चेंज रेड करके देखते हैं एक बार, सही है। अब इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करते हैं हम एक स्क्रीन शॉट, वहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं, वीडियो और लेयर, जैसे लेयर में जाइएगा वहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिलता है मीडिया पे, तो उस पे जाके आप इमेज भी डाल सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से हम ब्लैक कलर में यहाँ पे चेंज करते हैं, तो ये आपका बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एडिटिंग करके लगा देना है। अब एक वाटरमार्क की ज़रूरत है, तो हम अपने चैनल का वाटरमार्क दे देते हैं, इसमें अच्छा लगता है दिखने में भी और आपकी मेहनत भी रहती है उसमें, तो डालना चाहिए। तो यहाँ से हम ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो चुका है गाइज, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, अब ये हो चुका है डन।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पे एक स्पॉट करने के लिए सिंपल सा फंडा है, FHD 1080p पे हम ऐड कर रहे हैं, फ्रेम रेट 30 है। तो यहाँ पे हम इसका जो क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन यही है FHD 1080p पे ही वीडियो को एक्सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। सो